आइए सारे दोस्तों को मनोज त्रिवेदी का प्रणाम है। हमारे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज फिर एक वीडियो लेकर के आपके बीच आए हैं और हमारा निरंतर वीडियो आपके लिए आता ही रहता है। मेरे दिल में एनी टाइम रहता है कि कुछ नया दे, कुछ नया दे, कुछ ऐसा तरीका का ढोलक का बोल दे जो आपको आसान भी हो और आपके काम लायक हो। आप कीर्तन भजन करते हैं तो आपके काम लायक हो। आइए आज दादरा का एक अलग प्रकार का बोल आपको दे रहे हैं। एक चलन ही है, अलग चलन दादरा का। दादरा में हम लोग थपकी बजाते हैं, हम लोग धाते टेता धिन, ताते टेता धिन, धाते टेता धिन, धाते टेता धिन, ताते टेता धिन, ये बजाते हैं। फिर ये सब बजाते हैं दादरा लोग। दादरा का एक अस्थाई ठेका है धाधा तेटेक धिन धिन धाधा तेटेक, इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं। लेकिन आज जो वीडियो आपके बीच हम बनाने वाले हैं या आपको देने वाले हैं या आपको समझाने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप बारीकी से समझिएगा। और ये एक ऐसा ताल आपको हम बताने वाले हैं जो अभी कि इसको फास्ट नहीं बजाना है। अभी तक में तो आपको बहुत सारा ताल बोलते थे कि थोड़ा सा फास्ट करना होगा, फास्ट करना ही होगा। लेकिन ये जो ताल है, ये ताल एकदम मीडियम में बजेगा, न ज्यादा फास्ट न ज्यादा स्लो, मीडियम में बजेगा। और दादरा जहां जहां बजाएंगे धाते टेता धिन ताते टेता धिन अधिता ता तिधाना, दादरा का बोल जहां भी दादरा का गाना में छह मात्रा में आप बजाएंगे उसमें खाली ये बोल को खाली बीच में सटा दीजिएगा ना, आनंद आ जाएगा। फिर सब एक बार ऐसे चहक के देखेगा कि क्या बजाया। बस इसको गौर से आप समझे और इसको तैयारी जरूर करें। पहले हम थोड़ा सा आपको बजा के बताएंगे, इसके बाद बारीकी से बताएंगे। कुछ नहीं है, एकदम हल्का सब्जेक्ट है, समझ लीजिए, आपके लिए अब बेहतर रहेगा। पहले हम बजा के आपको हम बताते हैं और इसके बाद जो है आपको हम बारीकी से बताएंगे कि ये बोल कैसे निकलेगा। और बहुत सुंदर बोल है। जैसे हम लोग बजाते हैं दादरा, हम लोग बजाते हैं इजी। कोई भी गाना दादरा का होगा तो यही बजाएंगे, या बजाएंगे। और मान लीजिए ये दोनों का रियाज आपका हो गया तो ये जो बोल है उसको कैसे लगाएंगे, पहले तो सुन लीजिए, इसके बाद बारीकी से बताएंगे और लगाना कैसे है वो भी बता देंगे। सबसे पहले बोल है, पहले ये चीज को याद रखिएगा कि जो हमारा दादरा का जो बोल है धाते टे ताधिन ताते टे ताधिन, इसको दुरुस्त करने के बाद ही ये बोल लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा। वो यदि दुरुस्त नहीं हुआ तो ये इसको बजाने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए उसको दुरुस्त जरूर कीजिएगा। धाते टे ताधिन अधिता ताति धाना, यही बोल है। जैसे बजाते दाते पेता दिन दाते पेता दिन दाते पेता दिन पेता दिन पेता दाते पेते पेता दिन दाते पेते पेता दिन पेता दिन पेता दिन पेता दिन। बस इससे ज्यादा फास्ट आपको नहीं बजाना है। महफिल में यदि भजन कीर्तन आप बजा रहे हैं दाते पेता दिन दाते पेता दिन ये बजा रहे हैं, या दाते पेता दिन ये बजा रहा है, ऐसी में यदि ये थोड़ा सा भी खाली झलक दे देंगे ना तो मजा आ जाएगा। सब गौर करके देखने लगेगा कि आखिर में ये क्या बजा दिया। अब आइए दोस्तों, आपको बारीकी से बता रहे हैं, बोल आपके हाथ में इजी आएगा, इजी तुरंत आएगा। आप वीडियो में बने रहें और हमारा हर एक वीडियो को गौर से देखें।
आपको हम बता दें कि हम कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें हम दो गो तीन गो चार गो पैटर्न एक के वीडियो में हम दे दें, हमारे पास नहीं मिलेगा। हमारे पास मिलेगा एक वीडियो में एक पैटर्न, इसलिए कि आप उसको पहले दुरुस्त कीजिए, तब दूसरा लीजिए, तब दूसरा प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो दो गो तीन गो चार गो ले लिए एक बार ध्यान में, ना ये वो हुआ ना दो वो हुआ, कुछ हो भी नहीं किया, वो फालतू हो गया, वो रियाजी आपका फालतू हो गया। रियाज का मतलब है कि एक ठो को तैयारी करके पूरे लय में ले आए, उसको रियाज कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग को निकालना है धेटे ताता तेटे, धेटे ताता तेटे। आपसे आग्रह है कि आप कलम कॉपी में लिख लीजिए, हम धीरे से बोल रहे हैं, धेटे ताता तेटे, फिर तेटे ताता धिन, बस यही बजाना है, धेटे ताता तेटे, तेटे ताता धिन, धेटे ताता तेटे, तेटे ताता धिन, बस इतने बजाना है, लिख लीजिए। और अब आ जाइए वीडियो में, बने रहिए, अब बहुत बारीकी से आपको बता रहे हैं, समझिएगा, चलन समझिएगा, धेटे ताता तेटे, तेटे ताता धिन, धेटे ताता तेटे, तेटे ताता धिन, ये समझना आएगा, मजा आ जाएगा भैया, बहुत गजब का ताल है। हम लोग प्रोफेशनल प्रोग्राम वोग्राम में हम लोग ये यूज करते हैं ये ताल, इसलिए आज आपको दे रहे हैं। देखिए धेटे ताता तेटे, सबसे पहले हम लोग को निकालना है धेटे ताता तेटे, ये फर्स्ट फिंगर धा के साथ, जो लोग खुला बजाते हैं वो खुला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग बंद बजाते हैं वो बंद बजाएंगे। देख लीजिए ये फर्स्ट फिंगर को, ये जो किनारी है ना, किनारी से थोड़ा सा आगे, ज्यादा नहीं, हल्का सा, ये किनारी से हल्का सा आगे घिस्सा के साथ लगेगा धे, ठीक है, धे टे, फिर ये तीन फिंगर से टे, एकदम बारीकी से बता रहे हैं, धे टे ताता, धे टे ताता, टे टे, ये एक फेज हुआ, धे टे ताता टे टे, ये ध्यान में रखिएगा, धेटे अलग ताता अलग रियाज कीजिएगा तब गड़बड़ा जाएगा। धेटे ताता तेटे आपको शुरुआत करने में दिक्कत हो सकता है, आप भूलेंगे फिर बजाएंगे, भूलेंगे फिर बजाएंगे, भूलेंगे फिर बजाएंगे, वहां तक माफ है। जब आपके दिमाग में और आपके हाथ में आ गया धेटे ताता तेटे, तो टोटल का गैपिंग जितना बोल है उसका डिस्टेंस, उसका जो गैपिंग है वो बराबर चाहिए, धेटे ताता तेटे, 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 ये गैपिंग आना चाहिए, लेकिन शुरू में नहीं आएगा, शुरू में आपको एक एक करके जो हाथ में लाएंगे बोल तो थोड़ा दिक्कत होगा, पहले धेटे निकलेगा फिर तेटे में जैसा दिक्कत होगा, लेकिन जब करते 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 हाथ में दिमाग में आ जाएगा तब आपको बराबर बजाना है। क्या बजाना है? धेटे ताता तेटे, धेटे ताता है, धेटे ताता तेटे, धेटे ताता, धेटे के बाद देखिए ये बिंदु है, समझने वाला चीज है, इसको बारीकी से समझिए, धेटे ताता, गौर से समझिएगा, धेटे ताता, धेटे के बाद ताता तुरंत लग रहा है, धेटे ताता तेटे, जरा सा भी आपको फुर्सत नहीं मिलेगा हाथ को, वहां क्या करना है, धेटे ताता तेटे, धेटे ताता तेटे, रियाज ऐसे करना है, धेटे ताता तेटे, धेटे ताता तेटे, ये जब फास्ट होगा तो ये होगा धेटे ताता तेटे, धेटे ताता तेटे, धेटे ताता तेटे। हमको लग रहा है कि आप ये बोल समझ गए होंगे, धेटे ताता तेटे, धेटे फिर ताता फिर तेटे, काम हो गया आपका आधा। अब बचा क्या? तेटे ताता धिन। अब बजाना है तेटे, तेटे तो आप लोग जान ही रहे हैं, तेटे ताता, तेटे ताता, तेटे ताता धिन। धिन कैसे निकलेगा? इसमें धिन निकलेगा, ये किनारी से थोड़ा सा हट के, ये फर्स्ट फिंगर धा के साथ धी, और यहां तीन फिंगर के साथ न, धिन, ये लेसन है,
ये लेसन में होता क्या है कि कभी धीन यहां से निकलेगा, कभी धीन यहां से निकलेगा, तो उसपे गौर नहीं करना है। गौर लेसन बाय लेसन कहां से क्या निकल रहा है इस चीज को गौर करना है। आइए, टेटे ताता एकदम इजी है, टेटे ताता धीन, टेटे ताते टे ताता धीन, यानी पूरा बोल हो गया ढेटे ताता टेटे टे ढेटे ताता टेटे टेटे ताता धीन धीन। सॉरी हम बताने में हम भी जो है ना दूसरे दिमाग चला जाता है। देखिए संगीत ऐसा चीज है, जरा सा दिमाग भटकेगा तो वो लय वो चीज अच्छे अच्छे लोग से भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग को भी माफ करते हैं कि आप लोग भी जो है थोड़ा सा भूल ही जाते होंगे, लेकिन गौर करके उसको अच्छे तरीके से सीखना है। भेटे ताता टेटे ये है चलन, क्या है भेटे ताता टेटे, भेटे ताता टेटे, भेटे के बाद ताता तुरंत लगेगा, टेटे भी तुरंत लगेगा, भेटे ताता टेटे, भेटे ताता टेटे, भेटे ताता टेटे टेटे ताता धीन, भेटे ताता टेटे टेटे ताता धीन, भेटे ताता टेटे टेटे ताता धीन, चलन यही आएगा भेटे ताता टेटे टेटे ताता धीन। दूसरा जो लाइनिंग है ना उसमें है टेटे ताता धीन, तो धेटे ताता टेटे जैसे बोलेंगे तो फिर टेटे आएगा, ढेटे ताता टेटे टेटे ताता धीन। आपका ताल बन के रेडी भैया, ढेटे ताता टेटे टेटे ताता धीन, 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 ढेटे 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 ताता टेटे टेटे ताता धीन, ढेटे ताता टेटे टेटे ताता धीन, ढेटे ताता टेटे टेटे ताता धीन। थोड़ा अटपटा टाइप का है, जब आप बजाएंगे तो एक बार तो नजर घुराना पड़ जाएगा कि क्या यार क्या बजा दिया। बस रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेहनत करें, आपसे आग्रह है, नम्र निवेदन है, मेहनत करें। आपके लिए हम एकदम एक से एक चीज लेकर के आएंगे और आराम से बताने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसी तरह आप प्यार बनाए रखिए, हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपका मुस्कुराहट ही हमको वीडियो बनाने पे मजबूर कर देगा। आप हंसते रहे मुस्कुराते रहे, बस यही चाह रहे हैं। नवरात्रि आ रहा है, मैया का सेवा में जरूर आप रहें, माँ का आराधना जरूर करें, माँ सब पर कृपा बरसाएगी। आइए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा एक नया चैनल है जिसमें गाना के साथ कैसे बजता है, वो चैनल का हम लिंक दे देंगे वीडियो में, उसको भी यदि आप जरूर देखें, सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करेंगे। आइए दोस्तों इस चैनल पर हमारे इस वीडियो को यदि कोई फर्स्ट बार देख रहे हैं भैया, उनको लग रहा है कि मेरा बताने का तरीका अच्छा है, तो यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेसन लेकर के आने का प्रयास जरूर करेंगे। तब तक के लिए अपने छोटे भाई मनोज त्रिवेदी को आज्ञा दें, प्रणाम।